किस तरीके का आपका रिसर्च वर्क क्या है? पहले तो अभी मेरा नाम सैयद शमीर हुसैन है, बेस्ड इन बैंगलोर, और बॉम्बे से भी मेरा नाता है क्योंकि बॉम्बे में मैं पढ़ाई कर चुका हूँ 7th स्टैंडर्ड तक, फिर यहाँ से मुंबई बैंगलोर चला गया था। सो मराठी ये था मला। तो उसके बाद जब था मेरा बिजनेस जो है 2012 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ फिलीपीन में, वहाँ पर मेरा स्टार्टिंग बिजनेस था बनाना वगैरह का। बाद में जब बनाना पे प्लांटेशन पे जाते तो हम माइनर को देखते थे, हमें भी इंटरेस्ट आया कि थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाना है तो माइनिंग करना है। माइनिंग स्टार्ट किया हमने, तो 2 साल के बाद जब 2014 में जब हम पहाड़ पे जा रहे थे तो हमको किसी ने बोला कि तीसरे लेयर के पहाड़ पे, ये पहला लेयर का पहाड़ है यहाँ से ग्राउंड लेवल से, तीसरे लेवल के पहाड़ पे जहाँ पर मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं जा सकती, आज आप लोगों को अगर मुझे लेके जाके बताना है तो चॉपर में ही जाना पड़ेगा क्योंकि मोटरसाइकिल खच्चर पैदल इस तरीके से जाने की जगह है। तो वहाँ पर जाने के बाद हमने जब चेक किया कि हाँ भाई गोल्ड के कंटेंट दिख रहे हैं, कॉपर भी दिख रहा है, तो कॉपर का ग्रेड भी ज्यादा होगा क्योंकि कॉपर ग्रेड हम लोगों को 16-18 अगर हमको 24-25-26% मिलता है तो हमारी तो लॉटरी लग जाती है। तो वहाँ बोला कॉपर का ग्रेड भी अच्छा आ रहा था, उस सैंपल लेके हमने टेस्ट किया। तो बाद में जब माइनिंग चालू होने के बाद, थोड़े दिन की बात ही बोल रहा हूँ, 2 महीने के बाद ही क्या होगा, जब हमने डिगिंग स्टार्ट किया ना, तो 20 फीट की डिगिंग हमने जब स्टार्ट करके, एक दिन जब दोपहर में मैं सो रहा था, मतलब लैंप ले रहा था खाना खाने के बाद थोड़ी नीचे में, तो मेरा सुपरवाइजर फोन किया, बोला जरा थोड़ा जल्दी से ऊपर आओ, ऐसा ऐसा कुछ मिला है विच लुक लाइक इंसेक्ट, कोई जानवर मतलब अजीब है। तो जब अजीब चीज लेके मैं गया तो देखा वहां पर वो लोग उसको लकड़ी लेके मार रहे, लकड़ी से ऐसा मार रहे, आवाज आ रहा है। तो फिर मैं बोला एक काम करो रॉड लो, रॉड लेके जब मारे तो आवाज आया, तो मैं बोला कुछ गोल्ड हो सकता है क्योंकि ऐसी जगह अगर मिलता तो गोल्ड ही, ज्यादातर आदमी का एक्सपेक्टेशन क्या होता है खजाना मिल गया। तो मैं नीचे उतर के बोला लाओ, उठा के जब पानी लेके इसको धोया तो इसको इसका नाम वहां से दिया मैंने अजीब गजीब। मैं बोला मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है, तो घर ले गया, तो हमारे बड़े भाई थे उनको फोटो लेके भेजा मैं, तो इन्होंने अपने 2 दिन निकाल के बोला कि वेरी नेक्स्ट डे कि ये वज्रा है, इंद्र का भगवान का यूज होता है। तो मैं बोला अच्छा, तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, चलो अपने काम में लग गया। तो वो अच्छा एक्चुअल बोला नहीं, 5 दिन पहले मुझे वहां सांप काटा, सांप काटने का निशान भी आज तक इधर है। अभी ऐसे झुक के दिखाना पड़ेगा। तो सांप काटा, सांप काटने के बाद ये मिल गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर 10 फीट के बाद फिर से मैं खुद खड़ा हूं, तभी मुझे लाइव त्रिशूल। तो मैंने साफ किया पूरा, नीट से निकाला, उसके लेदर जो निकाले तो पीसेस हो गए, मतलब वो पाउडर पाउडर टाइप में निकल गया। तो निकाल के उसको भी मैंने धोया, धो के बोला त्रिशूल। जैसे त्रिशूल देखा, पता नहीं मेरा दिमाग वहां से जब हिला है ना, अभी तक इसके पीछे पड़ा हूं। मतलब हिला मतलब ये क्यों मिला, यहाँ क्यों आया, इंद्र का वज्रा मुझे समझ में नहीं आया। त्रिशूल देखा मैं तो मेरा तो एकदम से हालत खराब होगी। लेके आया नीचे दोनों चीजों को, फिर मैंने संभाल के, फिर मैंने 2015 में बोला माइनिंग जो है अभी रहने दो, इसके पीछे ये कर दे। और इतनी अनलकी बात नहीं है, जैसे ही मैं ये मिला है ना, उसके थोड़े दिन बाद वहां का जो प्रेसिडेंट है दुतर्ते, उसने लोकल माइनिंग बंद कर दिया, लोकल माइनिंग ही बंद कर दिया, मतलब एकदम जो भी बड़े बड़े कंपनी है उनको माइनिंग दे रहा था। तो उसके बाद मैं लेके आके यहाँ पर इसका रजिस्टर किया, मुंबई में मेरा घर था तो उस बेस पे मैं सोचा मुंबई में रजिस्टर करेंगे, वहां से मेरा रिसर्च चालू हुआ, बहुत बहुत सारों को मिल गया, बहुत बहुत नॉलेजेबल आदमियों को मिला, बहुत डॉक्टरों को मिला, साइंटिस्टों को मिले, मेट्रोलॉजी बोलते ना, आर्कोलॉजी, जितने भी डिपार्टमेंट, हर से मिलने के बाद कंक्लूजन में आज भी मैं चैलेंज करके बैठता हूँ, अगर कोई आके मुझे बोलता है ना ये 10,000 साल पुराना नहीं है भाई, तो मैं उसको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मुझे 1 लाख क्वेश्चन पूछे मैं आंसर दूंगा, थोड़ा पानी वानी पी के दूंगा इतने क्वेश्चन के लिए। जनरली सर जब आपको आपने पकड़े हाथ में किस तरह का फीलिंग रहा? सर फीलिंग यहाँ तक ले आया ना, और क्या चाहिए, अगर फीलिंग नहीं होता तो मेरा सारा उधर, मेरे जापान में भी मेरे रेस्टोरेंट थे, मैं क्या ऐसे ही नहीं था कि भाई बैठा हुआ, जापान में रेस्टोरेंट थे, वो सब मैंने सब बंद करके इसके पीछे लगाया हूँ। किस लिए लगाया हूँ, ये ऊपर वाला जाने, सच्चा ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, मैं चाहता हूँ इंसानियत, इंसानियत जागे, आदमियों में इंसानियत जागे, ये बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम भेदभाव को एकता करना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ, अगर ये मिलना चाहता तो ये हिंदू को क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अगर भगवान चाहता तो हिंदू को क्यों नहीं मिला, मुसलमान को क्यों मिला। अब आपकी क्या डिमांड है सर? मेरी डिमांड कुछ भी नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से ये भी नहीं है कि मुझे ये दे दो मैं ये कर दूंगा, सारा देश मिलके इसकी मंदिर बनाओ मैं रेडी हूँ। मैं अपने तरफ से, अब मैं
आप एक बात बताओ, आपका आज गोल्ड का 1 ग्राम का कितना है? 6,000 साढ़े 6,000 70,000। ये गोल्ड की है ना, गोल्ड भी तो है, गोल्ड ही है ना। शिव के त्रिशूल, आप इसकी वैल्यू क्या लगाना चाहोगे? आप इंडिया, पूरा इंडिया भी दे दोगे ना तो भी कम है, सारी दुनिया भी दे दो कम है। तो मैं ऐसी चीज अगर गिफ्ट कर रहा हूँ मंदिर बनने के लिए बिना कोई स्वार्थ के, तो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ। आदमी अभी शादियां कर रहे हैं हजारों करोड़ खर्चा करके, शो ऑफ ये वो, हजारों करोड़ खर्चा करके, ओपन बोल रहा हूँ, हजारों करोड़ खर्चा करके शादी कर रहे हैं, तो क्या 10,000 करोड़ खर्चा करके मंदिर नहीं बांध सकते वो लोग? मैं 1,00,000 करोड़ की चीज गिफ्ट दे रहा हूँ, उनसे बड़ी चीज दे रहा हूँ। 1,00,000 मैं बोल रहा हूँ वैल्यू, उसकी वैल्यू 1,00,000 बोलना भी गलत है। इसको तो आधा इंडिया दे दो तो कम है। आज अंबानी जितने भी, टाटा बिरला धीरूभाई बिल गेट, सबसे करोड़पति मैं हूँ, सबसे पैसे वाला आदमी मैं हूँ। भले मैं कल मर भी जाऊं ना, ये चीज मुझे याद रखेगी, जिस जगह से मैं लेके आया हूँ ना, इतना आसानी से नहीं लेके आया हूँ। ब्रह्मास्त्र पिक्चर बन गई, वो ये हो गया, जमा दिए। मैं, मेरी अगर मूवी भी बना लो ना, रियलिटी में जिस तरीके से, जिस तकलीफ से सांप काट के वहां से लेके फिर यहाँ तक जिस तरीके से पहुंचा हो ना, अगर इसकी मूवी भी बन जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से वो 25 करोड़ बिजनेस करने की जगह पर 10,000 करोड़ बिजनेस कर देगी मेरी स्टोरी। मुझे तेलुगु के फिल्मों, तेलुगु और तमिल फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने फोन किया था, हमने मिला भी, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही अपना वो कुछ एडेड वैल्यू करना चाह रहे थे। मैं बोला जब रियली फैक्ट है, सही है ना, अभी जो फिल्म आई गोट, वो क्या बोलते हैं गोट वाली, वो रियल है ना, रियली बताओ ना, तुम ऐड क्यों करोगे? तो मैं बोला ऐड करना है तो मैं नहीं आ रहा। सर मैंने अभी तक प्राइम मिनिस्टर को मेल किया था, रिप्लाई नहीं है, अभी आपको मेल दिखाई देता हूँ। जितने भी मेल के यहाँ है मेरे पास, अभी बता रहा हूँ। शिव त्रिशूल, नहीं नहीं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर मीटिंग रिक्वेस्ट किया हूँ, मीटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए भी मेल किया। मेल करने का डेट भी है मेरे पास, July 20, 2023, 2:37 PM। देख लीजिए, connect@mygovernment.nic.in, इससे भी किया हूँ। और सेक्रेटरी आप देखेंगे, तावर चंद गलोटी जी, सर हो सकता है कि उनके पास काफी मेल आते, करोड़ों मेल आते तो, लेकिन वो किसी परसेंट या कुछ आप जानकारी सर, अभी इतनी बड़ी चीज लेके मैं ऐसे हाथ में किसी के डोर पे जाके भिखारी वाले हिसाब में बैठना मुझे भी पसंद नहीं। जब भगवान ने मुझे दिया है तो मैं अपने आप को भी सबसे बड़ा समझता हूँ। हाँ, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकाल ही देगा, सही है ना। अब जब उसको मुझ तक पहुंचाना था तो मुझे भिखारी थोड़ी बनाना था, किसी के दर पे जाके बैठ के रहो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये करो, मुझे इतना दो, नहीं चाहिए भाई। जो भी होगा, मरने तक तो मैं इसका कुछ ना कुछ तो उधार करके ही मरूंगा। आपको मुहिम में उम्मीद करते हैं, काफी लोग जुड़े हैं और आपके सपना, आपके हर लोग हिंदुस्तान की एकता, आप देख रहे मंच 100% पूरा हो। हिंदुस्तान की जनता, मैं चाहता हूँ अभी इंस्टाग्राम पे खाली वीडियोस मत देखो, ये भी चीज एक रिसर्च की चीज है, इसको सारी दुनिया तक ले जाओ। अगर किसी को और नॉलेज मुझे देना है, वेलकम, मैं बहुत खुश होऊंगा कि मेरे साथ जुड़ो। और इसका अगर कुछ नॉलेज और देना है कि ये शिव, अभी जैसे बहुत सारे मुझे मेरे साथ जुड़े थे हिमाचल से, जिसने किसी ने बोला कि मेरी मंदिर बांध ली, उन्होंने मंदिर ओपनिंग कर लिया, सर ये आप ऐसा करो, सर ये आप ऐसा करेंगे, ऐसे मैं रेडी हूँ उनके साथ जुड़ने के लिए। मगर फालतू बातें नहीं, फालतू नॉलेज नहीं, फालतू नॉलेज मेरे पास बहुत है, उनसे ज्यादा है, लेकिन काम की बात करना है तो काम की बात। कोई बोलता है उधर बागेश्वर धाम के पास लेके चले जाओ, मैं बोला अच्छा लेके जाऊंगा, चलो आप एक काम करो, बागेश्वर धाम के पास लेके जाने का मुझे अरेंजमेंट कर दो। नहीं आप जाओ, बोले मैं जाऊं लाइन में खड़ू, क्यों खड़ू, मुझे क्या जरूरत है, सही है ना। जब ऊपर वाला मुझे त्रिशूल दिया है, बागेश्वर छोड़ो, श्री, मैं तो बोलता हूँ सदगुरु रवि, श्री श्री रविशंकर, बागेश्वर जितने भी धाम के, वो खुद दौड़े चले आना चाहिए कि कुछ चीज, महान चीज आई है, उसके दर्शन करो। वेलकम करने के लिए आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, पैसा नहीं चाहिए, वेलकम करो, इस चीज की इज्जत करो। इज्जत मत नहीं करोगे तो फायदा क्या है, खाली बेकार में बातें नहीं करोगे। कहीं मिल गया वहां कोई मलेशिया में सदगुरु जाके कोई पत्थर शिवलिंग जैसा दिख गया, उसकी पूजा कर रहा है, वो पूरे न्यूज में चल रहा है, सही है ना। और जैसे जनरल स्टोन सदगुरु सिर्फ ऐसा कर रहा है, वो शिवलिंग, व्हाइट शिवलिंग, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ शिवलिंग तो छोड़ो, शिव की त्रिशूल मेरे पास है भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।